मॉर्निंग में फ्रेंड्स देखो अपन डिस्कस कर लेते हैं समागम। समागम में हम कण से समागम का उपयोग करके क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपको दिया हुआ है cos b log x / a। हमने आपको लास्ट वीडियो बताया था जहां आपको गड़बड़ लगे वहां t प्रतिस्थापित करना है, तो cos के अंदर log x / a की जगह आपको t पुट करके क्या करना है क्वेश्चन को आगे हल करना। कैसे हल करेंगे देखो, सबसे पहले इसको हम समागम रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ cos b log x / a dx। अपन गड़बड़ हो रही है log x / a में, तो हम क्या कर रहे हैं log x / a की जगह t पुट कर देते हैं। पुट log इसका बेस e होता है x / a बराबर t। log का अर्थ होता है 1 / अंदर वाला। अब देखो log के अंदर x / a है तो यह आ जाएगा आपका 1 / x / a, फिर x का हो जाएगा dx और बट्टा में a रह जाएगा, इस प्रकार से आएगा। a से आपका a कैंसिल हो गया तो 1 / a चाहिए अपने को, 1 / x चाहिए, 1 / x dx चाहिए। अवकलन करेंगे तब तो dx तो है लेकिन 1 / x से नहीं। अब जब 1 / x नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन न करके केवल x का अवकलन कर लेंगे। कैसे, इस log को भेज देंगे उधर, log को उधर भेजा तो ये हो गया आपका x / a e की पावर t। एक उधर मल्टीप्लाई में भेज दो तो x बराबर a e की पावर t, ऐसे हो गया। अब इसका अवकलन करते हैं, तो अवकलन करने पर अवकलन किया तो x का तो गया dx बराबर a e की पावर t और ये हो गया dt। तो dx की जगह x सीधा इसको क्या करेंगे हटा देंगे, तो ये लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसलिए i बराबर समाकलन ऑफ cos b t आ गया गुणा dx की जगह a e की पावर t dt, ऐसे इतना हो गया। अब कैसे करें, तो अब देखो a को तो बाहर ले लेंगे, तो i बराबर a समाकलन ऑफ e की पावर t cos b t dt, इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लगाओगे, देखो समाकलन ऑफ e की पावर a x और cos b x dx बराबर होता है e की पावर a x / a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। फिर आपका यहाँ क्या आएगा a cos bx फिर प्लस b sin bx प्लस का c, ऐसे हो गया। तब इसलिए i बराबर a गुणा, देखो यहाँ e की पावर a x तो यहाँ e की पावर t, तो x की जगह तो t है, a की जगह कितना है दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं है, मतलब एक है। तो a का मान 1 है और b का मान b है। ये यहाँ फॉर्मूला क्या कह रहा है, e की पावर a x n जो दिया e की पावर t / a का स्क्वायर यानी 1 प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर है ये, फिर a यानी 1 और cos bx यानी cos bt प्लस b फिर sin bt प्लस का c, ऐसे आ जाएगा। अब इसको और हल करके लिखते हैं, तो i बराबर a e की पावर t / 1 प्लस b स्क्वायर cos bt प्लस b sin bt प्लस का c। अब क्या करते हैं, वापस मान रख देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ t का मान वापस रखेंगे तो t बराबर a e की पावर t, तो a e की पावर t की जगह x आ जाएगा क्योंकि x के बदले में लाना है अपने को, तो x आ गया / में 1 प्लस b स्क्वायर फिर गुणा cos b। अब t है तो t का मान क्या है, t का मान है log x / a, तो यहाँ log x / a आएगा, log x / a प्लस फिर b sin b, अब t की जगह वापस log x / a और प्लस का c, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो उस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है e की पावर 4x cos 4x cos 2x, इसका हमें क्या करना है समाकलन करना है। समाकलन कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको समाकलन को व्यवस्थित करते हैं, तो i बराबर e की पावर 4x cos 4x cos 2x dx।
देखो e की पावर 4x है, cos 4x है, cos 2x यानी ट्रिग्नोमेट्रिक का एक्सपेंशन हम खंड से समाकल लगा दें लेकिन अभी नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? देखो इसलिए नहीं लगाना कि e की पावर 4x cos 4x का इतना होता तो भी चलता, इतना होता तो भी चलता, लेकिन cos के दो पद आ गए तो इन दोनों cos के पदों को क्या करना पड़ेगा, पहले अलग-अलग करना पड़ेगा। अलग-अलग यानी प्लस का चिन्ह लगा के, यानी e की पावर 4x के साथ एक ही त्रिकोणमितीय फलन होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। तो दूसरा कैसे हटाएंगे? देखो आपका कोस का फॉर्मूला होता है, चूंकि आपका दो कोस ए और कोस बी बराबर होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ऐसे होता है। तब दो कर देंगे भाग उधर, क्योंकि हमारे पास कोस ए कोस बी है, ये दो नहीं है, तो कोस ए कोस बी बराबर कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी बट्टा, ऐसे अब आ जाएगा आपका। इसलिए आई बराबर समाकलन ऑफ ई की पावर 4x, यहां अपने को क्या करना है मान रखना, तो ए की जगह देखो 4x है, बी की जगह 2x है, तो यह आ जाएगा आपका कोस 4x प्लस 2x प्लस कोस 4x माइनस 2x बट्टा 2 डी आई बराबर समाकलन ऑफ ई की पावर 4x, तो यहां आ जाएगा आपका कोस 6x प्लस कोस 2x बट्टा 2 और पूरे का डी एक्स। अब इसमें अलग अलग भाग दे देंगे, अलग अलग भाग देते हैं और इसका समा ई की पावर 4x से गुणा करके समाकलन में अलग अलग बना देते हैं, तो आई बराबर 1 बट्टा 2 समाकलन ऑफ ई की पावर 4x कोस 6x डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ 1 बट्टा 2 यहाँ भी आएगा e की पावर 4x cos 2x dx ये हो गया। अब इसमें देखो प्रथम फलन और द्वितीय फलन करके अपन क्या करेंगे, खंड से समाकलन अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ देखो अपने अगर फॉर्मूला आ रहा है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन वैसे खंड से समाकलन करेंगे तो इसमें अलग स्टेप लगेगी, इसमें स्टेप लगेगी, अलग लगेगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम? क्योंकि समाकलन ऑफ e की पावर ए एक्स cos bx dx बराबर e की पावर ax बटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर आपको क्या आएगा a cos bx प्लस b sin bx और प्लस का c, ऐसे आ जाएगा। तो इसलिए i बराबर 1 बटा 2 गुणा e की पावर 4x बटा, देखो यहाँ a की जगह 4 है और b की जगह 6 है, तो आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ कोष्टक में 4 cos bx फिर प्लस b cos b sin bx, तो sin यानी 6 sin 6x प्लस, ये तो हो गया इसमें फॉर्मूला। अब लगाते हैं इसमें, तो 1 बटा 2 गुणा e की पावर 4x बटा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें b की जगह 2 है, फिर आपका यहाँ आ जाएगा 4 cos 2x प्लस 2 को 2 साइन 2x प्लस का सी, अब ये सी आ जाएगा। अब इसको हम हल कर देते हैं, आपका आई बराबर e की पावर 4x यहाँ भी है, e की पावर 4x में यहाँ भी है, हम क्या करते हैं e की पावर 4x को कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर 4x तो आ गया आपका कॉमन, बट्टा में देखो यहाँ बढ़ेगा 6 36 और 16, 36 और 16 हो गया अभी 50, 50 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, ये सॉरी 6 से 36 और 416 52 हो गए, 52 को तो 2 से गुणा करेंगे तो 1 बट्टा 104 आ जाएगा, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 तो 20, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा 1 बट्टा 40। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन कितना देगा, 4 कॉमन ले तो 8 कॉमन लेते हैं, तो 8 कॉमन लिया दोनों से 1 बट्टा 8, इसमें से 8 कॉमन लिया तो 1 बट्टा 13 प्लस इसमें से 8 कॉमन लिया तो 1 बट्टा 5, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ इसमें लगेंगे 8 बट्टा 8 आ गया यहाँ पे, तो ये बच गया आपका 4 कोस 6x प्लस 6 साइन 6x बट्टा 13, फिर प्लस यहाँ आपका इसमें यहाँ बचेगा कितना बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ आपका 40 बन रहा है, इसलिए 4 चौक 16 और प्लस 4 20, 20 से गुणी
साढ़े चालीस में से आठ हमने बाहर कॉमन दे दिया, तो यहाँ बचेगा आपका पाँच, और e की पावर फोर एक्स भी कॉमन आ गया, तो चार कोस टू एक्स प्लस दो साइन दो एक्स बट्टा पाँच और प्लस का सी, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। हमने ये सारी चीज़ की और कॉमन लेने के लिए भाई कॉमन कितना आ रहा है इसलिए किया। आप अगर ये आंसर थोड़ा सॉल्व करके यही आंसर छोड़ दो तो भी ठीक है, आप इस प्रकार से छोड़ो तो भी ठीक है, e की पावर एक्स को कॉमन लेकिन इसका अलग अगर भाग देकर छोड़ो तो भी आपका क्वेश्चन क्या है सही, क्वेश्चन में आंसर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको क्वेश्चन को क्या करना है इस प्रकार से हल करना, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, ये सूत्र लगाया और इन दोनों को अलग अलग किए, फिर अलग अलग एक बार फोर से गुणा किया, फॉर्मूला लगाया और अपने पास आंसर आ गया। अब चलते हैं आगे, इसका हमें क्या करना है समाधान करना। तो सबसे पहले तो हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट में 2x माइनस x स्क्वायर dx। अब अंडर रूट में x स्क्वायर है, x का पद भी है, इसका मतलब अंडर रूट में है, तो आपको फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट बड़ा, यानी अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर, या समाकलन में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इनमें से तीनों में से देखो प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, दो फॉर्मूले यहाँ हो गए, एक आपका ये फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। अब उसमें देखो इन फॉर्मूलों में एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ एक्स भी है, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें उस एक्स को हटाना पड़ेगा, उस एक्स को हटा के ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, हम जब इसको कोण में बनाएंगे तो आपका ये एक्स है वो एक्स स्क्वायर में चला जाएगा। कैसे जाएगा देखो, आई बराबर समाकलन, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग कैसे बनता है, पूर्ण वर्ग बनते तो हमारे साथ एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर अकेला तो है लेकिन धनात्मक नहीं है, तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे धनात्मक बनाएंगे, माइनस कॉमन लेके, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे। एक चीज का ध्यान ये रखना कि माइनस है वो आपका समाकलन से बाहर, इस अंडर रूट से बाहर मत लेके जाना, अंडर रूट से बाहर क्यों नहीं लेके जाना, क्योंकि अंडर रूट से माइनस बाहर कॉमन नहीं आता। एक चीज और, एक पूर्ण वर्ग बनने के पश्चात वापस माइनस को क्या करना होता है, अंदर मल्टीप्लाई भी करना होता है, तो उसका भी ध्यान रखना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस का टू एक्स हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखो, तो यहाँ एक्स आपका माइनस का है तो माइनस बड़ा फॉर्मूला कैसे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे। तो आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट में माइनस, तो यहाँ आ जाएगा आपका x का स्क्वायर फिर माइनस दो गुना ए, तो ए स्क्वायर की तरफ से स्क्वायर आएगा। अब बात करते हैं b की, अब b का हमें पता नहीं होता, b हमें पता करना होता है, फिर b का स्क्वायर जोड़ेंगे और b का स्क्वायर बैठा देंगे, इस प्रकार से हमें करते हैं। तो यहाँ b का पता कैसे चलेगा, इस x वाले पद से, हमें x वाला पद बनाना होता है यहाँ पे, तो देखो यहाँ टू एक्स है हमारा, टू एक्स तो बढ़ चुका, अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स बन जाए, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टू एक्स रह जाएगा, इसका मतलब टू ए बी, बी आपका एक है, तो एक का स्क्वायर हमें जोड़ना पड़ेगा और एक का स्क्वायर हमें घटाना पड़ेगा, और कोई इसमें पद नहीं है, तो ब्रैकेट क्लोज ये पूरा डी एक्स। अब इस पूरे की जगह हम देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट में आपका आ जाएगा माइनस कॉमन ले लिया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर और पूरे का डी एक्स। अब माइनस को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट में माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका एक माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर पूरे का डी एक्स। अब ए स्क्वायर, इसको ऐसे बोल सकते हैं, हटा दो माइनस को मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि समाकलन ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स बट्टा दो जो दिया वैसा वैसा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा दो, फिर आपका आता है साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस का सी, ऐसे आता है। तो हम अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ एक्स की जगह तो एक्स माइनस एक है और ए स्क्वायर की जगह एक है और ए की जगह भी एक ही है, तो इसलिए आई बराबर
एक्स माइनस एक बटा दो अंडर रूट में वन का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए का स्क्वायर यानी एक बटा दो, और साइन इनवर्स एक्स यानी एक्स माइनस एक बटा ए यानी एक प्लस का सी। तो आई बराबर एक्स माइनस एक बटा दो अंडर रूट, इसको जब हल करेंगे तो आपका आ जाएगा टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक बटा दो साइन इनवर्स एक्स माइनस एक प्लस का सी। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। हमें इस प्रकार से क्या करना है, इन क्वेश्चनों को हल करना है। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आपके वो सारे इन तीनों फॉर्मुलों पर डिपेंड करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।